नमस्ते दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत अपील फाइल करनी है और आपके अगेंस्ट ऑर्डर 31 मार्च 2023 तक जारी किया गया है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने टाइम की एक्सटेंशन दी थी, तो ये अपील आपको कैसे फाइल करनी है, इसके लिए जीएसटी पोर्टल के द्वारा नई एडवाइजरी जारी की गई है। दोस्तों, आप हमें यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पर भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ऑर्डर मिले हैं 31 मार्च 2023 तक और वो उसके अगेंस्ट अपील फाइल करना चाहते हैं, तो इसके लिए नई एडवाइजरी जीएसटी पोर्टल के द्वारा जारी की गई है। दोस्तों, 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये डिसाइड किया गया था कि टैक्स पेयर के लिए एमएसटी स्कीम लॉन्च की जाएगी। जिन व्यक्तियों को सेक्शन 73 या सेक्शन 74 के अंतर्गत डिमांड नोटिस मिले हैं जीएसटी डिपार्टमेंट से 31 मार्च 2023 तक, उनके लिए टाइम को एक्सटेंड किया जाएगा अपील फाइल करने के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन 53/2023 भी जारी किया था। दोस्तों, आप अपील फाइल कर सकते हैं 31 जनवरी 2024 तक, यदि आपके अगेंस्ट जो ऑर्डर पास किया है जीएसटी ऑफिस ने 31 मार्च 2023 तक किया है, इसके लिए आपको जीएसटी एपीएल 01 में दोस्तों अपील फाइल करनी है और आपको जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पेमेंट है वो भी करनी है। इसके लिए आप मोड ऑफ पेमेंट चूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रेडी लेजर या कैश लेजर, लेकिन ये टैक्स पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अप्रोप्रिएट लेजर सेलेक्ट करे, करेक्ट पेमेंट करे। दोस्तों, अपीलेट अथॉरिटी भी ये चेक करेगी कि आपने सही अपील फीस पे की है और उसके बाद ही आपकी अपील को एंटरटेन किया जाएगा। दोस्तों, यदि टैक्स पेयर ने ऑलरेडी अपील फाइल कर दी है इस नोटिफिकेशन के जारी होने से पहले, तो वो डिफरेंशियल अमाउंट पे कर सकते हैं। इसके लिए वो पेमेंट टुवर्ड डिमांड के ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जीएसटी पोर्टल पे, यानी कि लॉगिन करके सबसी टैब में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और वहाँ पे पेमेंट टुवर्ड डिमांड के ऑप्शन चूज़ करके पेमेंट करेंगे। दोस्तों, यदि टैक्स पेयर ने पहले अपील फाइल की थी लेकिन रिजेक्ट कर दी गई थी टाइम बेल्ट की वजह से एपीएल 02 के अंतर्गत अपलेट अथॉरिटी के द्वारा, तो उस केस में भी टैक्स पेयर दोबारा से अपील फाइल कर सकते हैं। यदि वो अपील नहीं फाइल कर पा रहे हैं तो टिक ट्रेस कर सकते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल पे। इस केस में उन्हें एमएसटी स्कीम की ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी और उसके बाद एमएसटी स्कीम इशू इन अपील फाइलिंग सेलेक्ट करना होगा सेल्फ सर्विस डॉट जीएसटी सिस्टम डॉट इन पे। दोस्तों, यदि अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा रिजेक्शन ऑर्डर पास किया गया है एपीएल 4 में, तो उस केस में टैक्स पेयर को अप्रोच करना होगा अपीलेट अथॉरिटी को एडवांस में इस नोटिफिकेशन की डेट्स के अकॉर्डिंग के वो अपील फाइल करना चाहता है। इस केस में अपीलेट अथॉरिटी जो है एलिजिबिलिटी चेक करेगी टैक्स पेयर की, उसके बाद जीएसटी पोर्टल को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा स्टेट नोडल ऑफिसर के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि यदि आपको एपीएल 4 में रिजेक्शन ऑर्डर मिला है तो उस केस में कोई डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी जीएसटी पोर्टल के द्वारा या फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल के द्वारा। एपीएल 04 यदि आपको इशू हुआ है तो उस केस में आपको स्टेट नोडल ऑफिसर के द्वारा ही अप्रोच करना है अपने अपील को फाइल करने के लिए, और उसके बाद स्टेट नोडल ऑफिसर जीएसटी पोर्टल को इन्फॉर्म करेगा, जिसके बाद के आपको अपील फाइल करना इनेबल किया जाएगा जीएसटी पोर्टल पे। दोस्तों, आप इस एडवाइजरी को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी कंप्लायंस कर पाए। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxhill@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सहिल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।